नवरात्रि बस स्टार्ट होने ही वाली है और मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका जो काम है वो काफी हो जाएगा आसान। ये एक प्रीमिक्स अगर आप बना के रखेंगे ना तो आप इससे कई सारी डिशेस बना सकते हैं। साल में दो नवरात्रि आती है, एक तो है चैत्र नवरात्रि और दूसरी है शरद नवरात्रि। वेल, नवरात्रि में कई सारे लोग फास्ट करते हैं और जो फास्ट का खाना है वो काफी अलग बनता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ एक नवरात्रि का प्रीमिक्स शेयर करूंगी और इस एक प्रीमिक्स से आप डोसा बना सकते हैं, खांडवी रोल्स बना सकते हैं, पानकी बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, कई सारी चीजें ये एक पाउडर से आप बना सकते हैं। ये जो नवरात्रि का प्रीमिक्स है, नवरात्रि स्टार्ट होने के पहले से आप बना के रख सकते हैं ताकि अगर आपका काम या फिर अगर आप बहुत बिजी हैं तो ये आपको एंड मोमेंट पे एकदम फटाफट वाली रेसिपीज में काफी काम आएगा। बहुत ही आसान है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीमिक्स बनाने का पहला इंग्रेडिएंट है सामा, इसे सामा के चावल भी कहते हैं। इसे डालेंगे मिक्सी में, इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुदाना, हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। हमें एक फाइन पाउडर तैयार करना है, इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे मिक्सी में ड्राई वाली सेटिंग यूज कर रही हूँ। So, ये जो परफेक्ट पाउडर है ये हो गया है तैयार। बेसिकली हमने एक आटा तैयार किया है, इस आटे में हम नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। सो ये हो गया प्रीमिक्स। अब इस प्रीमिक्स से आप कई सारी चीजें बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस प्रीमिक्स को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। डोसा, पान की या फिर इडली का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है नवरात्रि प्रीमिक्स। इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा सा इसमें डालना है दही, हरी मिर्च और अदरक भी इसमें डाल लें, सेंधा नमक इसमें डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा और पानी डाल के हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। इडली के लिए हमें बैटर थोड़ा गाढ़ा रखना है, डोसा के लिए हमें इसे बटर मिल्क की तरह पतला करना है। इस बैटर को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। इस बैटर से अब बनाएंगे पानकी। पानकी के लिए मेरे पास यहाँ पे है केले के पत्ते जिसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। तवे के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा ले। तवा गर्म करने के बाद इस पे रखेंगे केले का पत्ता। आप देख सकते हैं पानकी के लिए जो बैटर है वो बिल्कुल पतला नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी है बैटर की। इसके ऊपर एक और केले का पत्ता रख लेना है। थोड़ा सा ऊपर से तेल लगाएंगे, हमें दोनों साइड्स पे करीबन 2 से 2.5 मिनट तक कुक करना है। और ये देखिए नवरात्रि के लिए पानकी हो गई है तैयार। सेम बैटर को जब छाछ की तरह पतला करेंगे और गरम तवे के ऊपर जब आप ऐसे डालेंगे तो जैसे रवा डोसा बनता है बिल्कुल उस तरीके से डोसा हो जाएगा तैयार। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे मीडियम आंच पे कुक करना है। डोसा दिखने में काफी परफेक्ट लग रहा है ना, दोनों साइड्स पे इसे अच्छे से कुक कर लें। कोकोनट या फिर ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व कर लें। ऐसी और रेसिपीज के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए एंड एंजॉय।